मालेगांव शहर देश और दुनिया भर में कोरोना का आतंक मचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में जो तादाद कमी हुई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम कोरोना को मात दे रहे हैं। ये जो सिपाही आज हम लोग देख रहे हैं रेपिडेक्शन फोर्स के, ये हमारे लिए दिन रात इसी तरह से तैनात होते हैं। हम लोग इनको देख सकते हैं कि हेलमेट, मास्क, इस पर फिर इसके ऊपर और कवर, कितना मुसीबत और कितनी मुश्किल से ये लोग खड़े होते हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने घर में सेफ रहें। तो हम लोग इतना काम कर सकते हैं कि प्रशासन जो कह रहा है कि मास्क लगाएं, अपने आप को घर में रखें, अपने आप को सेफ रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो घर का कोई एक शख्स जो है वो बाहर निकल कर काम करें। ये हमारी ही सेवा के लिए, हमारी सेहत के लिए ये लोग खड़े हैं। जगह जगह पर पुलिस जो तैनात होती है वो भी हमारी सेवा के लिए ही खड़ी है। हम लोग इनसे, अगर हमें ये रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम इनसे प्रेम से बात करें, हम इनसे ना उलझे। अगर ये भी इंसान है, अपने बाप, अपने घर, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़कर आज हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी इनके इनका साथ दें, उनकी बातों को समझें। इनसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को समझें। सबसे पहली बात तो आप लोग घरों में रहें, अपने आप को देखें। इंशाल्लाह हम ज़रूर इस कोरोना से जंग